हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक सिंह सामंत। आज से मेरा 14 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्टार्ट होता है। मेरा एम है कि मैं मॉर्निंग पे ग्राउंड ट्रेनिंग करूँगा फैट लॉस के लिए और इवनिंग पे वर्कआउट करूँगा मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये मेरी बॉडी कंडीशन है ऑन डे वन, और मेरा एम रहेगा कि 14 डेज़ के अंदर फिर से फिट होने का। तो डे वन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ग्राउंड पहुंच चुके हैं। ये है हमारा ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड है, 200 मीटर का ही ट्रैक है। और ये है मेरी वीडियोग्राफर जो मेरी वीडियो शूट करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ट्रेनिंग। तो मॉर्निंग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं रनिंग के साथ। रनिंग से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो आज पहला ही दिन है, तो मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करूँगा। आज पहला दिन है, लाइट वर्कआउट रहेगा। मैं आज ओनली 4 राउंड्स मारूँगा, और रनिंग के बाद डायरेक्ट बैठ मत जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रनिंग के बाद थोड़ा कूल डाउन करना, थोड़ा रिलैक्स हो जाना, और उसके बाद स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है। आप या ऊपर से नीचे की तरफ जा सकते हैं, या नीचे से ऊपर की तरफ आ सकते हैं, या आप सर से स्टार्ट करिए, या फिर आप पैरों से स्टार्ट करिए। मैं सर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले गर्दन की स्ट्रेचिंग, उसके बाद हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे, और उसके बाद कमर के बाद साइड स्ट्रेच, और लास्ट में पैरों की स्ट्रेचिंग, और फिर एंकल्स की स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी हमारे बॉडी पे स्टिफनेस और टाइटनेस होती है रनिंग के दौरान, उस सब को रिलीफ करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और साथ ही अगर आप अच्छी स्ट्रेचिंग करते हैं तो इंजरीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है आफ्टर रनिंग। बहुत लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं, और आने वाले समय में इंजरीज़ का कारण यही बनता है। तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत लोग स्टिफनेस मतलब टाइटनेस, जैसे कि पैरों में दर्द से परेशान रहते हैं, अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो इन सब से दूर रहेंगे। तो इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट, स्टार्ट करेंगे हम स्किपिंग से। तो स्किपिंग 1 मिनट करेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्किपिंग वेट लॉस के लिए। और स्किपिंग के बाद हम करेंगे पुशअप्स। और पहला ही दिन है तो बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं, मेरा एम रहेगा कि 10-20 रेपिटेशन मारूं और 2 सेट। और उसके बाद स्क्वाट्स करेंगे 10-20 रेपिटेशन, और इसके भी 2 ही सेट्स रहेंगे। और आने वाले समय में अगले दिन से इसे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और उसके बाद सिटअप्स 10-20 रेपिटेशन इसके भी, और 2 सेट करेंगे। और इसके बाद एक अच्छा कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। कूल डाउन से पूरी बॉडी को रिलीफ मिल जाता है, इससे हमें ऐसा फील होगा कि हमने कुछ भी नहीं करा है, और काफ़ी हल्का महसूस होगा हमें। तो कूल डाउन बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे इंजरीज नहीं होती हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारी बॉडी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है इससे। तो मॉर्निंग सेशन से बस इतना ही, फिर मिलता हूँ इवनिंग सेशन पे। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर अ इवनिंग वर्कआउट। तो इवनिंग वर्कआउट का रूटीन होने वाला है, हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, उसके बाद हम करेंगे एप्स की एक्सरसाइज, फिर आज हम करेंगे चेस्ट, और पूरा बॉडी वेट ट्रेनिंग होगा, कोई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेंगे, और एंड करेंगे स्ट्रेचिंग और कूल डाउन से। तो स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। सो हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे स्किपिंग के साथ। स्किपिंग 1 मिनट तक करनी है, और उसके बाद 20-30 सेकेंड रेस्ट रहेगा, और सेकेंड एक्सरसाइज रहेगी जंपिंग जैक्स। इसके 30 सेकेंड करेंगे इसको, और जंपिंग जैक्स के बाद 10 सेकेंड रेस्ट, और इसके बाद बट किक्स, और बट किक्स भी हम 30 सेकेंड करेंगे, और आफ्टर बट किक्स 10 सेकेंड रेस्ट। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है हाई नीज, हाई नीज भी 30 सेकेंड करने हैं, और उसके बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग, और इससे हमारी पूरी बॉडी पे गर्मी आ जाएगी। स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, वर्कआउट से पहले
वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे इंजरीज के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। और उसके बाद हम रेडी हो जाएंगे एप्स वर्कआउट के लिए। तो एप्स वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज रहेगी क्रंचेस, और इसके हम 10 to 20 रेपिटेशंस करेंगे। और आज पहला ही दिन है तो एक ही सेट करेंगे सब एक्सरसाइज की। और सेकंड एक्सरसाइज है लेग रेजेस, इसके भी 10 to 20 रेपिटेशंस करने हैं। और सब एक्सरसाइज के बाद 10-10 सेकंड रेस्ट करना है। और जो तीसरी एक्सरसाइज है एप्स की वो है टो टच, और इसके 20 to 30 रेपिटेशंस करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है माउंटेन क्लाइंबर्स, और इसके भी 20 to 30 रेपिटेशंस करेंगे। और एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी है, पांचों एक्सरसाइज लगातार करनी है, बीच में 10-10 सेकंड का रेस्ट रहेगा। और जो आखिरी एक्सरसाइज है वो है प्लैंक होल्ड 30 seconds to 1 minute, और इसके बाद 1 minute तक का रेस्ट ले लेना है। और उसके बाद हम करेंगे चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज रहेगी नॉर्मल पुशअप्स 10 to 20 रेपिटेशन एंड 2 sets। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है वाइड ग्रिप पुशअप्स, और इसके रहेंगे 10 to 20 रेपिटेशंस और 2 sets। और बिटवीन द एक्सरसाइज आपको 30 seconds to 1 minute तक रेस्ट करना है। और जो तीसरी एक्सरसाइज रहेगी वो इंक्लाइन पुशअप्स 10 to 20 रेपिटेशंस और 2 sets। और जो आखिरी एक्सरसाइज रहेगी चेस्ट वर्कआउट की वो रहेगी डिक्लाइन पुशअप्स, और इसके 10 to 20 रेपिटेशंस करने हैं, और इसके रहेंगे 2 sets। और चेस्ट वर्कआउट के बाद हम करेंगे कूल डाउन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये था day 1, होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलता हूँ day 2 पर। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।